नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है यानी कब्जियत की समस्या है, आपका पेट सही तरीके से साफ नहीं हो पाता है, तो आज मैं आपको उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और लास्ट में अपनी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊँ कि मैं मैक्सिमम कौन सी मेडिसिन देता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अमित, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज के नाम से भी जानते हैं, और ये पेट की समस्या है जो कि कभी ना कभी सभी में पाई जाती है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कब्ज होती क्या है, कॉन्स्टिपेशन होती क्या है। जो हमारी वोवल मूवमेंट्स होती हैं उनका सही से काम नहीं कर पाना, मीन्स हमारी जो आंतों का काम होता है वो सही से नहीं हो पाता है, जिससे कि हमारा पेट सही से या प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन को हम समस्या को हम कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। मीन्स जब भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है और जो इंटेस्टाइन में जाता है, तो फिर वहाँ पे जो बोबल मूवमेंट्स और आंतों का काम वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिस कारण से हमें ये समस्या होती है, पेट साफ नहीं हो पाता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा। तो सभी के घरों में नाली होती है एक, जिसमें से कचरा बहता है, जिसमें सॉलिड मटेरियल पानी सारा उस नाली से बहता है। तो मान लीजिए जब भी उस नाली से सॉलिड मटेरियल बह रहा है, लिक्विड मटेरियल, तो इजिली बहता है, इजिली साफ हो जाती है सारी नाली। बट अगर बाय चांस उसमें से लिक्विड मटेरियल को हम निकाल दें, ओनली सॉलिड मटेरियल को मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको किसी चीज़ से धक्का देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वैसे ही एग्जाम्पल को हम यहाँ ले चलते हैं कॉन्स्टिपेशन कंडीशन में। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना जो खाते हैं उसमें पानी की मात्रा रहती है, जब वो हमारे पेट में जाता है तो जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो आंतें हैं, जो बड़ी आंत है, उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, उस पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसकी जो आगे मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। जैसे कि आपको नाली के एग्जांपल दे, उसमें प्रॉपर तरीके से जब तक पानी था तो वो मूव कर रहा था, जब वो पानी नहीं था वो सॉलिड मटेरियल मूव नहीं कर पा रहा था। उसी तरह जब वो पेट इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन उसको अब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, पानी को, जो क्वान्टिटी जो खाने में होती है, तो जिससे कि प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाता है, वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, अच्छे से प्रॉपर से पेट साफ नहीं हो पाता है, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन तैयार हो जाती है, जिससे कि जो हमारा खाना वो पेट में ही रहता है कुछ कितने दो तीन दिन, वैसे कितने जो भी जो दो या दिन या तीन दिन वैसे ही रहता है, प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाता है। या फिर जब भी जाते हैं तो वो थोड़ा सा मल त्याग करते हैं, आधा पेट में ही रह जाता है, सही से साफ नहीं हो पाता है पेट। तो वो इसी कारण होता है कि जो पानी की क्वान्टिटी रहती है खाने में वो अब्जॉर्ब कर हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मूवमेंट्स आप तक वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जिससे कि हमें कब्ज की समस्या क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों अब इसके कुछ कोज की तरफ चलते हैं। हम बहुत कम पानी पीते हैं, हमारी पानी की मात्रा कम रहती है हमारे शरीर में, तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, हमें कब्ज की समस्या हो सकती है। दूसरा, हम अगर फाइबर डाइट कम लेते हैं, जैसे खीरा ककड़ी जो भी हमारे जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, उसको हम कम लेते हैं अपने खाने में, तो उसकी वजह से भी हमें समस्या पाई जा सकती है। या फिर हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, जैसे कि किसी जो भी प्रोफेशनल, जैसे प्रोफेशन लेते हैं हम, डॉक्टर का हो गया या किसी और प्रोफेशन में बैठने का काम ज़्यादा, फिजिकल एक्टिविटी कम है, उनको ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद होगी मेडिसिन, हम अगर कोई मेडिसिन लंबे समय से ले रहे हैं, जैसे कि लैक्सेटिव हो गया कोई, या फिर कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, या कोई भी मेडिसिन हम लंबे समय तक लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें समस्या पाई जा सकती है। या फिर हम कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, उनकी वजह से हमें समस्या हो सकती है। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत समस्या पाई जाती है कॉन्स्टिपेशन में, उस टाइम हॉर्मोनल चेंजेस के कारण ये समस्या पाई जाती है। उसके बाद अगर हम प्रॉपर नींद ना लेते हैं, उसकी वजह से हमें ये समस्या पाई जा सकती है, हम सही टाइम से नींद सोते नहीं, हम नींद नहीं लेते हैं सही समय से, तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या पाई जाती है। या फिर हम कोई ड्रग्स लेते हैं, नशीले पदार्थ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से हमें समस्या पाई जा सकती है। अल्कोहल का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या पाई जा सकती है। या कुछ डिजीज़ है जिनके कारण ये समस्या हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, पार्किंसन डिजीज़ हो गई, हाइपोथायरायडिज्म हो गई, कुछ डिजीज़ है जिनके कारण ये समस्या पाई जा सकती है। या फिर आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया, जिसमें हम जंक फूड या फिर फास्ट फूड या ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी वजह से भी हमें कब्ज की समस्या पाई जा सकती है। तो दोस्तों इसके कुछ सिम्टम्स की तरफ चलते हैं कि क्या लक्षण पाए जाते हैं इसमें। तो पहला लक्षण यही पाया जाता है कि हमारे पेट में दर्द करता है काफ़ी, पेट जो है प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाता है, हार्ड स्टूल आता है, फोर्स लगाना पड़ता, दबाव लगाना पड़ता है स्टूल करते टाइम, मल करते टाइम हमें काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, पेट में दर्द रहता है, फूला फूला रहता है। या फिर भूख कम हो जाती है, हमें भूख सही से नहीं लगती है, या दर्द रहता है पेट में काफ़ी, लोअर एब्डोमेन नीचे वाले भाग में ज़्यादा दर्द रहता है, तो ये कुछ इसमें लक्षण पाए जाते हैं। और कुछ अगर ये जो कंडीशन है कुछ लंबे समय तक
चलती रहे, कब्जियत की समस्या हमें काफ़ी लंबे समय तक रखती है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, मीन्स कुछ दूसरी डिजीज़ का रूप ले लेती है कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि बवासीर, पाइल्स, हमें बवासीर की समस्या हो सकती है अगर हमें लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, या फिर हमें एनल फिस्टुला या एनल फिशर जैसी बीमारी हो सकती है, या फिर हमें हेडेक हो सकती है, या फिर हमें एसिडिटी या गैस्ट्रिक की समस्या पाई जा सकती है अगर हमें लंबे समय तक, ऐसी कई बीमारियाँ हो सकती है हमें अगर कब्जियत की समस्या हमें लंबे समय तक रहती है। तो दोस्तों अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी मेडिसिन होम्योपैथिक में बहुत अच्छा काम करती है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो पहले मैं आपको मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद लास्ट में आपको मैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताता हूँ जो मैं कॉमनली यूज़ करता हूँ। तो पहले डिल्यूशन के बारे में बताता हूँ, इसमें कौन से डिल्यूशन बहुत अच्छा काम करते हैं। तो पहली मेडिसिन है ब्रायनिया, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर स्टूल है वो काफ़ी हार्ड रहता है, काफ़ी दर्द रहती है, पास करते टाइम जोर लगाना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है, दबाव लगाना पड़ता है, उस कंडीशन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर स्टूल जो काफ़ी हार्ड रहता है, पास करने में काफ़ी दिक्कत आती है, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसको अपने 30 पोटेंसी में लेना है, इसकी 3 से 4 ड्रॉप ट्रेट लेनी है सुबह और शाम 2 टाइम लेनी है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों दूसरी मेडिसिन है एलुमिना, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका इच्छा नहीं करती हो पास स्टूल पास करने के लिए, आपका मन नहीं करता है स्टूल पास करने के लिए, 2 से 3 दिन तक आप स्टूल पास नहीं करते, मल त्याग नहीं करते, 2-3 दिन बाद आप पेट साफ करते हैं आपको, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मेरे लिए बच्चों में और बुजुर्गों में बहुत अच्छे रिजल्ट है, जो दूध पीते बच्चों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूध पीते बच्चे जो है कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन पेट साफ नहीं कर पाते, मीन्स मल त्याग नहीं कर पाते, उनकी इच्छा नहीं करती है, तो उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसकी 30 पोटेंसी लेनी है सुबह और शाम के टाइम 2 टाइम, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसकी 3 से 4 ड्रॉप ट्रेट लेनी है, अगर बच्चे छोटे हैं दूध पीते तो उसमें 1 चम्मच पानी में इसकी 2 से 3 ड्रॉप डालनी है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ, कब्ज के साथ साथ आपको पेट फूला फूला रहता है, आपको गैस्ट्रिक की समस्या रहती है, तो उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसको 30 पोटेंसी में लेना है आपने सुबह और शाम, 3 से 4 ड्रॉप प्रैक्टिक टंग में लेनी है। तो दोस्तों उसके बाद मेडिसिन आती चौथी नक्स बोन के, जो कि पेट की समस्याओं के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और आप इसके बारे में जानते होंगे। अगर आपका जो मल त्याग करने जाते हैं और आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता, बार बार जाते हैं और आपका पेट साफ नहीं हो पाता, आपका मन करता है बार बार जाने का और पेट प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाता, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसको आपने 30 पोटेंसी में लेना है सिर्फ रात को टाइम जब आप सोते हैं उस टाइम, इसके 3 से 4 ड्रॉप जो है रेक्टल टंग में, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों अब कुछ मदर टिंचर के बारे में बताता हूँ जो कि मैं कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करता हूँ। तो पहला मदर टिंचर है कास्करीला, मदर टिंचर जो कि पेट की समस्याओं के लिए काफ़ी अच्छा है, मीन्स कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका स्टूल हार्ड रहता है, आपकी जो मूवमेंट वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, बॉबल मूवमेंट्स जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, आपको काफ़ी दबाव लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, या आपको काफ़ी दर्द है, तो समस्या में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दूसरी जो मदर टिंचर है वो मैं 2 मदर टिंचर को मिक्स करके देता हूँ अपने क्लिनिक में, पहला है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर, दूसरा है कास्करा सेकंड मदर टिंचर, जो कि बहुत अच्छा कंपोजिशन है और कॉम्बिनेशन है जो कि मैं अपने क्लिनिक में यूज़ करता हूँ। अगर आपकी जो मूवमेंट्स है मूवमेंट वो इरेगुलर है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, उसके लिए बहुत अच्छा कंपोजिशन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कॉन्स्टिपेशन समस्याओं में। तो आपको इन मदर टिंचर को कैसे यूज़ करना है, इसकी जो 20 से 25 ड्रॉप मीन्स 20 से 25 ड्रॉप 1/4 कप पानी में लेनी है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, दिन में 3 बार लेनी है। दोस्तों अब मैं कुछ पेटेंट मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ जो कि मैं यूज़ करता हूँ कॉन्स्टिपेशन में। जो अगर आपका जो स्टूल है काफ़ी हार्ड रहता है, आपको पास करते टाइम काफ़ी दर्द रहता है, उसी कंडीशन में मैं होम्योलैक्स टेबलेट यूज़ करता हूँ निकर की, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। होम्योलैक्स टेबलेट अगर आपको स्टूल पास करते हैं इतना हार्ड होता है कि आप जब भी पास करते हैं आपको काफ़ी दर्द रहता है, काफ़ी पेन होती है आपको पास करते टाइम, तो उस टाइम उसी कंडीशन में सिर्फ मैं होम्योलैक्स टेबलेट दे देता हूँ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जो होम्योलैक्स टेबलेट का काम है वो जो हार्ड स्टूल को बिल्कुल दस्त की तरह पतला कर देती है, जिससे कि आपको पेन नहीं होती है, तो इसको उसी कंडीशन में सिर्फ उसी कंडीशन में देता हूँ, जिससे कि आपका जो दर्द रहता है हार्ड स्टूल पास करते टाइम तो वो इजिली पास हो जाता है। तो दूसरा है लेक्सोसॉफ्ट पाउडर, जो कि मैं मेनली यही यूज़ करता हूँ, ये अच्छा है, इससे जो नॉर्मल स्टूल होता है वैसे ही निक आता है, पास होता है, और जो होम्योलैक्स टेबलेट बताई उससे बिल्कुल दस्त की तरह पतला हो जाता है। तो इनमें आपको मैंने फ़र्क भी बता दिया, जो होम्योलैक्स है अगर आपका स्टूल इतना हार्ड होता है कि आपको पास करते काफ़ी डर रहता है तो आप वहाँ पे होम्योलैक्स टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका नॉर्मल है आपको इतना दर्द नहीं रहता तो आप लेक्सोसॉफ्ट पाउडर ही यूज़ करें, इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों अब मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ कि मैं क्या प्रिस्क्राइब करता हूँ कॉन्स्टिपेशन में। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कास्करीला मदर टिंचर, जो कि खाना खाने से पहले देता हूँ मैं, 20 से 25 ड्रॉप्स
एक चौथाई कप पानी में डेली देता हूँ 3 टाइम खाना खाने से पहले। खास करेला माता टिंचर जो कि मैं यहाँ पिक लगा दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और फिर देता हूँ ब्रायनिया 30 जो कि खाना खाने के बाद देता हूँ, 15 से 20 मिनट के बाद ब्रायनिया 30 सुबह और शाम 2 टाइम देता हूँ। उसके 3 से 4 ड्रॉप ट्रैक दे देता हूँ। उसके बाद देता हूँ 15 से 20 मिनट का गैप देके, एक जो अपना मैंने आपको कंपोजिशन बताया कास्कर हसैक और हाइड्रास्टिस मदर टेंचर की, 20 से 25 ड्रॉप चौथाई कम पानी में देता हूँ। इसको दिन में 3 बार देता हूँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और साथ में लेक्सो सॉफ्ट पाउडर देता हूँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट में 1 चम्मच देता हूँ शाम को सोते टाइम। रात के टाइम जब भी सोते हैं तब आपको इसका लेक्सो सॉफ्ट पाउडर का 1 चम्मच थोड़े से गुनगुने पानी में, थोड़ा सा गर्म पानी में इसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और नक्स बोमी का भी आप ले सकते हैं शाम के टाइम 30 पोटेंसी में, उसके 3 से 4 ड्रॉप्स। आपको आपकी कितनी भी पुरानी समस्या हो कॉन्स्टिपेशन में तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपकी जो कॉन्स्टिपेशन समस्या काफ़ी दिनों से चलती आ रही है, काफ़ी महीनों से चलती आ रही है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, बिल्कुल क्योर हो जाती है इन मेडिसिन से। तो आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये समस्या है कॉन्स्टिपेशन की। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया उसको दबाना ना भूलें, और साथ में एक बेल आइकन उसको भी दबाना ना भूलें। उससे होकर आगे मैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड या होम्योपैथी से रिलेटेड जो वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।